रात भर बैठेंगे, ताली बजाइए सब लोग, सहमत हैं? वाह क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद चित्राम जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनको आप अभी सुन रहे थे, हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय पीयूष मोड़िया जी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव जी, मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर शशि भूषण प्रशांत जी, आदरणीय यहां आपका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए उपस्थित हैं, जितने भी हमारे अलग अलग देशों से मुख्य अतिथिगण आए, उनमें हमारे डॉक्टर शिव कुमार निगम जी, पूरी ये टीम है, कलाकारों की टीम है हमारे, जिन कलाकारों ने यहाँ मंचन किया और जो हमारे पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूँ। और कुछ भी कहने से पहले मैं, जैसा कि सर ने हमें कहा कि इन कलाकारों को जरूर अवसर मिलना चाहिए, तो मैं बताऊं सर आपकी जानकारी के लिए कि मैंने विगत 2 सालों में आजमगढ़ में 22 फिल्में बनाई है और ज्यादातर कलाकार हम आजमगढ़ से ही रहते हैं, यही के कलाकारों को रखते हैं फिल्म में, और उसमें हमारे चित्राम जी भी रोल कर चुके हैं। अभी एक फिल्म हमने बनाया था मंडप, वो भी कुछ इसी तरह का फिल्म इसी तरह की है। यहां तो एक लाइन मेरा दिल छू लिया जब दूल्हे के बाप ने कहा कि अब मेरा बेटा आपका भी बेटा है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप बोलिए, खिचड़ी खा लिया। और जब बाप ने कहा तो उसने खिचड़ी खा भी लिया, लेकिन उस फिल्म में थोड़ा अलग था, मैं नहीं खा रहा था, दुल्हन बंदूक लेके खड़ी हो मेरे बाप का जितना पैसा लगा पूरा वापस करो, नहीं तो पूरी बारात को यही बंधन बनाएंगे, कोई वापस नहीं जाएगा। कि बाप अपने बेटी की शादी के लिए क्या क्या करता है, क्या क्या जतन करता है, बचपन से पाल पोस के उसको बड़ा करता है, और वो पूरा हम लोगों ने उस फिल्म में रखा था कि बाप की क्या मजबूरी होती है। उसमें उस गांव के प्रधान आप ही बने थे, आप ही समझाते हैं कि भाई देखो ऐसा मत करो आप लोग। खूब अच्छी वो फिल्म बनी भी, खूब चली थी। आज जो मैं दृश्य देखा हूं इस कार्यक्रम में, तो मैं जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आजमगढ़ में ये पूरा आप रिकॉर्ड कर लीजिए और फिल्म में इन्हीं कलाकारों के साथ इसको फिल्माने का जिम्मा मेरा है, मैं इसको फिल्म में रहा था तो मैं खुद ही रोने लगा, मेरे आंख में आंसू आ गए, मैं रो नहीं पाया। तो मुझे उसी समय ये लग रहा था, तब तक सर ने तो कह ही दिया कि इसको आप फिल्मों में लगाइए, तो इन सभी कलाकारों के साथ में मैं यही एक ऐसी ही फिल्म बना करके और इन कलाकारों के साथ शूटिंग मैं करूंगा, बस इसको आप रिकॉर्ड करवाइए और उसका भी खर्चा मैं ही दूंगा रिकॉर्ड का भी। इसको भी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि सर ने कहा कि जब हम कहीं जाते हैं किसी कार्यक्रम में जाते हैं, हो सकता है हमने एक कोई रसम का गीत सुन लिया, दूसरा छूट गया, तीसरा छूट गया, चौथा छूट गया, पर हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में ये जो पूरा का पूरा आपने 40-45 मिनट में जो प्रस्तुत किया है, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब इसकी रूपरेखा आप बनाइए और पूरी तरह से इसको जो कलाकार गा रहे थे उनसे रिकॉर्ड करना है, जो कलाकार यहाँ फिल्मांकन कर रहे थे उनके साथ हम इसको फिल्माएंगे, और जब ये फिल्म में आ जाएगा तो मेरा ये भाव इसीलिए आया
कि फिर दुनिया में कहीं भी किसी को भोजपुरी कल्चर के विवाह की जानकारी लेनी होगी तो वो फिल्म का कैसेट लगा देगा, उसको पता चल जाएगा कि पहले मटकोर हुई कि पहले चुमावन हुई, पहले सिंदूरदान हुई कि पहले फेरा हुई। अक्सर वो उनसे ही पूछा था जब हम फिल्म में काम कर जला तो पंडित जी के बन के आवाला वो के ना पता रहा, वो भी हमें से पूछे भैया पहले सिंदूरदान कि पहले फेरा, हमें याद ना होगी जैसे हमें दुल्हा बदल होना। एक चीज तो हम लोग गौर किला ये दिल के छुए वाला एक कार्यक्रम ऐसे लग रहा कि हर एक कलाकार जो था वो सच्चा था, बनावटी कब किसी ने संगीत पहली बार आए हैं, पर ये बहुत आगे जाएंगे। जैसा सर ने कहा इनके अंदर वो क्षमता है, वो सच्चाई है कि ये बहुत आगे जाएंगे। ये आपके आजमगढ़ का, हम सब का, पूरी दुनिया में नाम रोशन करेंगे, इतनी उनके अंदर क्षमता है। उनको मंच प्रदान करने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, वो हम करेंगे। और जब मैं आजमगढ़ में आया था और पहली बार जब मैं हरिहरपुर में गया, किसी ने बताया मुझे कि यहाँ संगीत का घराना है, और जब मैं आदर्श भाई और बाकी जितने यहाँ पे हमारे बंधु हैं आप लोगों के साथ जब उस गांव में गया, छोटे छोटे बच्चे साधना करते हैं संगीत की, जब मैंने उनको देखा तो मैं गया पूजी महाराज जी से कहा कि गांव है आजमगढ़ में, मैं चाहता हूँ कि आपको ले चलूं। वो आए, उन्होंने बच्चों की साधना देखी और गृह मंत्री जी को बुला करके उस गांव में संगीत महाविद्यालय बना दिया। तो हम लोगों का काम यही है कि बस आपको सही जो है प्लेटफॉर्म प्रदान कैसे हो उसकी जिम्मेदारी हम लोग उठाएंगे, बाकी आप लोग बहुत आगे जाएंगे। मेरी बहुत शुभकामना है आप सभी को, और हमारे लाल बहादुर भैया जो दुबई से आए हैं, भाभी जी हैं, जितने भी अलग अलग देशों से आप जितने कलाकार और जितने भी साहित्यकार, जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं, मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बना रहे, क्योंकि आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है। एक बात जो चित्रांश भाई कह रहे थे कि भीड़ ज्यादा नहीं है, पर इस कार्यक्रम को देखने के लिए जैसे ये कलाकार सच्चे हैं वैसे सच्चा मन चाहिए, जिसके दिल में वो इमोशन जीवित होगा वही बैठ के ये देख पाएगा, नहीं तो दो मिनट में उठ जाएगा, निकल जाएगा। दुनिया बहुत तेज चल रही है, उतनी तेजी में आ गई है कि इमोशन खत्म हो गया है, वो संस्कार उनको कुछ लेना देना नहीं है। पर मैं आप लोगों को भी प्रणाम करता हूं कि आप लोग धैर्य पूर्वक बैठ करके पूरे संस्कार को आप लोगों ने देखा, इसके लिए मैं आप लोगों को भी नमन करता हूं। और चित्रांश भाई को बहुत शुभकामना देता हूं, आपको तो प्रधानमंत्री जी ने भी शुभकामना भेजा है, आपको मुख्यमंत्री जी ने भी शुभकामना भेजा है, और आगे भी आपके जो कार्यक्रम है उन सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इस ग्रुप फोटो के बाद हमारे